जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी ने बचत भवन शिमला में जिला परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न प्रस्तावों के तहत अनुमोदित प्रस्तावों के अलावा शेष 22 प्रस्तावों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी ने युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से निकालने और समाज में नशे के दुष्प्रभावों से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए शिविरों के माध्यम से जागरूकता प्रदान करने को कहा। उन्होंने जिला परिषद वार्डों में लंबित पड़े कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला परिषद के सदस्य गणों द्वारा अपने क्षेत्र में हो रहे विकासात्मक कार्यों के विषय में सदन में विस्तृत चर्चा की गई और सदस्यों क्षेत्र में लंबित कार्यों को पूर्ण करने का आग्रह किया गया कि जो निरत लूरी प्रोजेक्ट है 210 मेगावाट की जल विद्युत जो प्रोजेक्ट लग रहा है जिसका कार्य चल रहा है, जब ये प्रोजेक्ट लगने से पहले जो है एसजीवीएन और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों के जो है सहयोग से और एसजीवीएन जो कंपनी है उन्होंने जो है लोगों को इस तरह जो है गाइड किया कि लोग कि देश और प्रदेश के हित में जो है ये प्रोजेक्ट लगना ज़रूरी है। जो है एसजीवीएन आर एंड रूल के तहत जनता और उनके बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था उससे जो है पीछे हट गई है और लोग बहुत परेशान है कि लोगों को जो है शोषण हो रहा है। आज जो है शायद वहाँ संबंधित पंचायत के प्रधान ने ज्ञापन सौंपा है जिसके तहत जो है काम को कि तुरंत बंद किया जाए। हम ये चाह रहे हैं हमारे वार्ड के अंदर प्रोजेक्ट लगे, लेकिन प्रोजेक्ट जो 1,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट लग रहा है उसमें जो जिन लोगों की जो भूमि है जिसके अंदर धान बेमौसमी सब्जियाँ बहुत सारी जो है एंसेस्टर प्रॉपर्टी है जो है चीज़ों को उपलब्ध किया जाता था और उस लैंड को आधी कीमत पर दिया और बदले में जो वायदे हुए वो बिल्कुल नहीं हुए। देखिए चौपाल के पुल बहाल जो परगना है वहाँ पे 2-3 पंचायतें ऐसी है जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। अगर लोगों को फ़ोन भी करना तो उसके लिए भी उनको दूर दूर धार पे जाना पड़ता है, हाइट पे जाना पड़ता है और पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है बच्चों की, क्योंकि आज पिछले साल से कोविड की वजह से सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और ऑनलाइन होने की वजह से अब नेटवर्क नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। और जैसे अभी अंदर डिप्टी डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम उनको घर में उनको लिखित में उनको पहुंचा रहे हैं हम मटेरियल, लेकिन जब हम उधर गए थे क्षेत्र में ऐसा वहां पे कोई मटेरियल नहीं पहुंचा हुआ है घर। इस अवसर पर चंद्र प्रभा नेगी द्वारा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो बैठक में स्वयं अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें जिससे जिला में विकासात्मक कार्यों को गति मिल सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला शिमला में सभी संपर्क मार्गों को समय अवधि में पूर्ण करें जिससे क्षेत्र के बागवानों को अपने उत्पाद को मंडी में समय से पहुंचाया जा सके और ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को जिसमें सबल प्राप्त हो सके। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला परिषद सदस्यों द्वारा उनके क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों के निरीक्षण के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करें। क्या है कि जैसे हमारे डोडरा कुआर है, रिमोट एरिया है, चौपाल का एरिया है, कुपवी वगैरह है, वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। जैसे उनका नेटवर्क नहीं चलता, जैसे बच्चों को आजकल नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो उनको नोट्स वगैरह दे, तो इससे उनकी पढ़ाई में बाधा पड़ रही थी। तो हमने निर्देश दिए कि उनको जल्दी से जल्दी या तो नेटवर्क का प्रावधान किया जाए या टीचरों को आदेश दिया जाए कि उनको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए। बागवानों को नुकसान हुआ है तो उसमें गवर्नमेंट बहुत कम मुआवजा देती है, जैसे पटवारी कानगो की रिपोर्ट जो जाती है उसका भी बहुत कम मुआवजा गवर्नमेंट देती है, तो इस पे भी हमने बारे में चर्चा की कि भाई इसमें जो है मुआवजा बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।